बी वाली चलोगे? एलबी कॉलोनी। हाँ बैठिए। साहब गाने चला दूं क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है साहब? साहब एलबी कॉलोनी आ गई, किधर लो साहब? साहब एलबी कॉलोनी आ गया, कहाँ लूँ साहब? साहब एलबी कॉलोनी आ गई। साहब साहब एलबी कॉलोनी आ गई साहब। साहब अरे इन्हें क्या हो गया? सब क्या रे, क्या हुआ? साहब मेरी टैक्सी में एक पैसेंजर है, पता नहीं क्या हुआ है, बेहोश है। आप देखिए ना साहब। तेजस इधर। सर सांसें तो चल रही है, एम्बुलेंस को फोन करो तुरंत। यस सर। कहाँ से बैठे थे तुम्हारी गाड़ी में? वसई से। क्या हुआ क्या है इन्हें? मुझे पता नहीं साहब, इन्हें एलवी कॉलोनी आना था, गाड़ी में बार बार अपना सर दबा रहे थे, मुझे लगा इन्हें कुछ तो हुआ है। सर एम्बुलेंस को फोन कर दिया। कुछ सामान था इनके पास? नहीं सर। ठीक है सर, इसे था बस। यस सर। रहता का है तो? बस है मैं। सर ये सीनियर सिटीजन का कार्ड मिला है, एकनाथ तावड़े नाम है इनका, बोरोली का एड्रेस है, सिद्धेश पैराडाइज एलबी कॉलोनी। शायद वसई से अपने घर जा रहे थे। और सर इनके मोबाइल से किसी रमाकांत को लास्ट कॉल किया गया था। रमाकांत? पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाते फिर देखते। मैं जाऊँ क्या? जब तक इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता तुम कहीं नहीं जाओगे। तेजस रमाकांत ला फोन ला। यस सर। पता नहीं ये कहाँ रह गया। एकनाथ कुटे हैं तू? रमाकांत जी बोल रहा हूँ। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर तेजस सोनटक्के बोल रहा हूँ। एकनाथ तावड़े हमें बेहोशी की हालत में एक टैक्सी में मिले, उन्होंने अपने मोबाइल से लास्ट कॉल आपको ही किया था। हाँ वह मेरा भाई है, मैं सिद्धेश पैराडाइज में रहता हूँ, वो मेरे घर आ रहा था। कहाँ है वो? हम उन्हें एलएनसी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। हाँ मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? पुलिस को एकनाथ टैक्सी में बेहोशी की हालत में मिला, वो उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। क्या कर दिया प्रसाद ने?
फोन ही नहीं उठा रहा, पीके पड़ा होगा कहीं। मैं हॉस्पिटल जाता हूं। वो अभी भी बेहोश है, उनके सर में इंटरनल इंजरी है। ऐसा लगता है उनके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। अब चोट कितनी गहरी है ये तो सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक वो टैक्सी में बार बार अपना सर दबा रहे थे। जब संतान गलत रास्ते पर चल पड़े तो माता पिता के लिए उससे बड़े दुख की कोई बात नहीं होती। इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए? सब कुछ ठीक हो जाएगा इस आशा के साथ दुख को गले लगाकर, या फिर उस दुख और अपनी संतान से दूर भागकर? एकनाथ तावड़े भाग रहे थे एक ऐसी जिंदगी से डर कर, पीछा छुड़ाकर, जहां शायद उनकी अपनी जान को खतरा था। सर, सर, मैं रमाकांत तावड़े, एकनाथ तावड़े का भाई। कहाँ है वो, कैसा है? देखिए, उनका सिटी स्कैन तो हो चुका है लेकिन अब तक उन्हें होश नहीं आया, अंदरूनी चोटें। डॉक्टर का कहना है कि उनके बचने के बहुत कम चांसेस है। रमाकांत जी, क्या आप बता सकते हो उनके साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपको फोन पर कुछ बताया था? आओ आओ, तुमसे फोन है। एकनाथ, इतनी रात में? हाँ एकनाथ। रमाकांत, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इतनी रात में क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बस बहुत हो चुका, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन तू ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मैं टैक्सी लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। हाँ हाँ, आजा आजा आजा। वो कौन था जिससे एकनाथ इतने डरे हुए थे? उन्हें किससे जान का खतरा था? अपने बेटे से, प्रसाद तावड़े। बस बहुत हुआ, तो पहले ही बहुत पी चुका है। वाह, बॉटल छोड़ो। अरे अपनी शक्ल तो देख, क्या आदत बना रखी है तूने। मैं तुझे और पीने नहीं दूंगा। मैं पैसों के पीता हूँ, किसी के बाप के पैसों की नहीं। बॉटल छोड़ो। अरे तू अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी खराब कर रहा है। इस दारू के कारण तूने मेरे और केतकी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वाह, बॉटल छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। और बॉटल छोड़ो। बॉटल छोड़। नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो बॉटल। नहीं छोड़ूंगा। बोला था ना, बॉटल दे दो। उसके बाद एकनाथ मेरे घर आ रहा था। मैं उसके इंतजार में था कि आप लोगों का फोन आया। वो वसे में रहते हैं जी, लेकिन हमें तो उनके जेब से एक सीनियर सिटीजन का कार्ड मिला जिसमें उनका एड्रेस बोरी लिखा है। हाँ, पहले वो यहीं रहता था फैमिली के साथ, फिर वैसे शिफ्ट हो गए हो। ये केतकी कौन है? केतकी प्रसाद की मंगेतर थी। आई एम सॉरी, हम एकनाथ जी को बचा नहीं पाए। ही इज डेड। एकनाथ तावड़े को अपनी मौत के साथ साथ उस दुख भरी जिंदगी से भी निजात मिल गई थी, लेकिन उनका बेटा उस दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाया जो उसने खुद अपनाया था। अब यह सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं बल्कि मर्डर का केस बन चुका था। क्या प्रसाद इस जुर्म से बचकर निकल पाएगा? तुम जा सकते हो, तुम्हारा नाम और एड्रेस हमारे पास है, जब जरूरत पड़ेगी तब बुलवा लेंगे। ठीक है सर। सर, ये एकनाथ का बेटा प्रसाद फोन नहीं उठा रहा, फोन स्विच ऑफ नहीं किया, रिंग हो रही है। एड्रेस लो, घर से उठा दे। जितेंद्र, तेरे बाबा नहीं रहे। कल रात प्रसाद ने उनके सर पे जोर से मारा था जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी बॉडी एलएनसी अस्पताल में रखी है। मैं समझ सकता हूँ काका, लेकिन मैं ये मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता।
वैसे भी आई और बाबा ने खुद अपना दुर्भाग्य चुना था। प्रसाद एक दुर्भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं है। ना कभी खुद चैन से जिया, ना किसी को चैन से जीने दिया। आई मेरी हाँ आले आले आंटे प्रसाद प्रसाद अजी सुनते हो जल्दी आइए जितेंद्र आई क्या हुआ काय झालं प्रसाद लवकर या ना इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा जितेंद्र बेटा तू कहाँ जा रहा है आई मेरे पास और भी जरूरी काम है मैं सारा दिन इसके आगे पीछे नहीं कर सकता पर मदद करूं भी तो किसकी इसकी जो खुद अपनी मदद करने को तैयार नहीं है जो ये छोड़ने को तैयार नहीं है और फिर मैं क्यों इसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करूं अभी ये सब कहने का टाइम नहीं है मैं आई हूँ इसकी तू भाई है इसका अभी इसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है बेटा आई बस बहुत हुआ आप और बाबा इसके साथ रहना चाहते हैं तो शौक से रहिए लेकिन मैं इसका ये रोज रोज का नाटक और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं और पूर्णिमा इस घर को छोड़कर जा रहे हैं आपने अब तक नाश्ता नहीं किया ऑफिस नहीं जाना है क्या क्या हुआ पूर्णिमा बाबा नहीं रहे प्रसाद ने बाबा को मार डाला क्या प्रसाद ने बाबा को आई तो उस नरक से निकल कर चली गई पर अपने पीछे बाबा को तड़पने के लिए छोड़ गई लगता है प्रसाद के ही भाग्य है चलो आप इसी फ्लोर पे रहते हो जी ये प्रसाद तावड़े इसी फ्लैट में रहता है हाँ आपने सुबह से उसे कहीं बाहर जाते हुए देखा है उसको तो सुबह पुलिस पकड़ कर ले गई पुलिस जी तेरा बाप एकनाथ तावड़े कहाँ है बाहर गया होगा ये इसका बाप एकनाथ तावड़े पता है कहाँ गया है नहीं सर मैंने नहीं देखा अगर वो इधर आता है तो वैसे ही पुलिस स्टेशन में खबर करना जी चल पुलिस प्रसाद तावड़े को पकड़ कर ले गई और एकनाथ तावड़े को ढूंढ रही है जी सर कहाँ से आई थी ये पुलिस वैसे ही पुलिस स्टेशन से हेलो नमस्कार मैं बोरेली पुलिस स्टेशन से पीएसआई तेजस सोनटक्के बात कर रहा हूँ नमस्कार आपने आज सुबह प्रसाद तावड़े को गिरफ्तार किया है हाँ हमने उसे गिरफ्तार किया है और हम उसके बाप एकनाथ तावड़े को ढूंढ रहे हैं प्रसाद को अपने बाप के बारे में कुछ नहीं मालूम है वो बोलने की हालत में ही नहीं है अमलदार थोड़ी सी पिलाना चुपचाप बैठा रहे वरना ऐसे दंड में मारूंगा ना कि सारी दारू बाहर निकल आएगी चुपचाप बैठ मिला देना यार थोड़ी सी मैं मर जाऊंगा मैं मिला दे थोड़ी सी यार उसे क्यों अरेस्ट किया गया और आप उसके पिता एकनाथ तावड़े को क्यों ढूंढ रहे हैं केतकी सालवी ने प्रसाद और एकनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज की है केतकी सालवी प्रसाद की मंगेतर उसने इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जी हाँ केतकी और उसके पिता कल ही यहाँ आए थे बताइए घबराइए मत बताइए बात क्या है जी हमें प्रसाद तावड़े और उसके पिता एकनाथ तावड़े के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है क्या किया है दोनों ने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं आप ये प्रसाद और एकनाथ को कैसे जानती हैं प्रसाद मेरा मंगेतर था लेकिन अब मैंने उसे अपनी मंगनी तोड़ दी है वो आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहा है
प्रसाद के फोन में केतकी के कुछ प्राइवेट फोटोज हैं, जिसके लिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। एकनाथ तावड़े की मौत हो चुकी है और हम उसके खून के आरोप में प्रसाद तावड़े को ढूंढ रहे हैं। देखिए, प्रसाद हमारे पास लॉकअप में है, पर वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। सर, प्रसाद वसई पुलिस की कस्टडी में है। इस वक्त वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। उसकी एक्स फियांसे केतकी, उसने प्रसाद और उसके पिता दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उसका कहना है कि ये दोनों उसे उसके कुछ प्राइवेट फोटोज के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। बाप बेटे का एक लड़की को ब्लैकमेल कर और बेटे का बाप को मार रहा, ये केस है क्या? डॉक्टर साहब, केस की बॉडी को आप मॉर्ग में रखवा सकते हैं? इसका बड़ा बेटा नहीं आ रहा है और छोटे बेटे को पुलिस ने पकड़ा है। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। वो शायद प्रसाद को इसका क्रियाकर्म करने थे। ठीक है, मैं अरेंजमेंट्स करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। Hey, what? Hey, what? What? दारू लाया क्या? दारू नहीं, डंडा लाए। तुमने अपने बाबा को क्यों मारा? और तुम दोनों मिलकर केतकी को ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? बाबा काका के साथ है। तेरे बाबा मर चुके हैं, कल रात तूने उनके सर पे मारा था। बाबा काका के साथ बोरी वाली में उनसे सर कोई फायदा नहीं। अब केतकी बता सकती है उसका ये एक्स मंगेतर उसे परेशान क्यों कर रहा था। हाँ, और ये भी कि एकनाथ उसे परेशान क्यों कर रहा था। पिता की मौत हो चुकी थी और बेटा जिसने उनकी हत्या की थी वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। प्रसाद की एक्स फियांसी केतकी ने बाप और बेटे दोनों के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट की थी। इस केस की दूसरी तरफ की कहानी भी उतनी ही दुखद और दर्द भरी थी। क्या हुआ बेटा, पुलिस स्टेशन से फोन था क्या? हाँ पापा, पुलिस ने प्रसाद को पकड़ लिया, लेकिन एकनाथ पापा वो नहीं रहे। प्रसाद ने कल रात नशे की हालत में उनके सिर पे बहुत जोर से मारा और उससे उनकी मौत हो गई। मिस्टर प्रसाद तावड़े, मैंने आपका रिज्यूमे देख लिया है। अगर आपके लायक कोई भी अच्छा जॉब होगा ना तो मैं आपको जरूर फोन करूंगी। कोई अच्छी सी जॉब ढूंढिएगा जिसमें सैलरी अच्छी हो। मिडिल ईस्ट का अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास, वहाँ नौकरी की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर तो घर होता है। आई अंडरस्टैंड, मैं याद रखूंगा। आप चाहें तो भी मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। आई विल कॉल यू। ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं था पापा, जब मैं उससे मिली थी तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। यम्मी, मुझे यहाँ की कॉफी बहुत पसंद है। यू नो, जब तुम साथ होती हो ना तो सब चीज अच्छी लगती है मुझे। तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली है, बाबा रिटायर्ड हैं, आई हाउसवाइफ है और घर में भाई भाभी। और तुम्हारी फैमिली में? मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे कोई भाई बहन नहीं है, हम दो ओनली चाइल्ड। तो बहुत लाड प्यार से पाला होगा। हाँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ मम्मी पापा? आप, मैं तुम्हें अपने भाई बाबा से मिलाना चाहता हूँ, मिलोगी? अरे आई, मुझे दीजिए। तुम कहाँ काम करती हो बेटा? बाबा, मैं जिनटेक कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करती हूँ एज ए रिसेप्शनिस्ट। प्रसाद कतर में काम करके आया है, कहता है वहाँ दिल नहीं लगता। यहाँ आया है और अब यहाँ नौकरी ढूंढ रहा है, कैसे संभालेगा सब कुछ? आई, आप सब हो ना मेरे साथ, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा।
हाय बाबा, कैसी लगी केतकी आप? बड़ी प्यारी बच्ची है। बहुत अच्छी है बाबा। देख बेटा, मैंने आज तक तेरे किसी भी फैसले से इनकार नहीं किया है, लेकिन तूने उसे सब सच बताया है ना? कैसा सच? अपनी बीमारी के बारे में? यही कि तुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। प्रसाद ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर ये बात ज्यादा दिनों तक छुपने वाली थी ही नहीं। हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। मम्मी पापा को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। प्रसाद और उसके पिता एकनाथ के खिलाफ अपने कंप्लेंट क्यों दर्ज की थी? उसकी मिर्गी की बीमारी से तो मैं फिर भी लड़ सकती थी, मगर एक और बात थी जो उसने मुझे नहीं बताई थी। कौन सी बात? उसकी शराब की लत। He was an alcoholic. वो alcoholic था और वो अपनी शराब की लत को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर भी मैंने उसे अपने दिल से अपनाया था, उसके साथ अपने आने वाली जिंदगी के सपने देखे थे। मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। उसकी आई मेरी मम्मी की जैसी थी, बहुत अच्छी थी वो। मैं उनकी आखिरी घड़ी तक उनके पास ही थी। मुझे पूरी जिंदगी प्रसाद की फिक्र सताती रही। सोचती थी मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। उसके बाबा की भी उम्र हो गई है, कौन संभालेगा मेरे बेटे को? एक तो उसकी बीमारी और उसकी शराब की लत। लेकिन बेटा, प्रसाद दिल का बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ आई। लेकिन अब मुझे उसकी फिक्र नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ तू उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अब मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसे नहीं कहते आई, बाबा बहुत अकेले हो गए। मैं भी बहुत अकेला हो गया हूँ। प्रसाद, तुम बाबा के साथ बोरीवली शिफ्ट हो जाओ। देखो, वहाँ रमाकांत काका भी रहते हैं, तो बाबा अकेला महसूस नहीं करेंगे। अब मैं भी रोज आ सकती हूँ मिलने के लिए ऑफिस के बाद। पहले हम वहीं रहते थे, लेकिन वहाँ के खर्चे हम झेल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वैसे ही शिफ्ट हुए। अब वापस जाने का कोई सेंस नहीं बनता। आई के जाने के बाद प्रसाद पूरी तरह से शराब में डूब गया। बाबा ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उस पर किसी भी बात का असर ही नहीं होता था। पहले उसने अपने घर के सारे पैसे शराब की लत में उड़ा दिए, और फिर उसने मुझे भी पैसों के लिए। हेलो, जिंटैक कंसल्टेंसी सर्विसेज। यस, आप मुझे अपना रिज्यूमे मेल कर दीजिए एल रिबोन पर। ईमेल एड्रेस है ketki21@zintac.com। तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे पैसे चाहिए। कैन आई जस्ट कॉल यू बैक इन सम टाइम? या आई विल गेट बैक। या थैंक यू। प्रसाद, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? देखो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ। मुझे आई की बहुत याद आ रही है, सर फटा जा रहा है मेरा, मुझे पैसे चाहिए दारू। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इस तरह तुम्हारी और मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देता। देख, मैं आप पैसे मांगने आया हूँ, तेरा लेक्चर सुनने नहीं आया। पैसे दे रही है नहीं? ये लो। बेटा, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कभी सुधरने वाला नहीं है बेटा। अगर तुमने ये शादी कर भी ली ना, तो उसके जैसे इंसान के साथ तुम कब तक रिश्ता निभा पाओगी? मुझे एकनाथ बाबा की भी उतनी ही फिक्र थी। एक तरफ तो वो अपने अकेलेपन से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अपने बेटे की हरकतों से। एक दिन मुझे उन्होंने बुलाकर बोला
बाबा चाहें। बैठ बेटा। तुम्हें याद है बेटा जब तुम पहली बार इस घर में आई थी मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे लगा अब मेरे बेटे का घर बस जाएगा, पर अब मेरे बेटे की खुशी से भी ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। बाबा मुझे लगा था कि प्रसाद सुधर जाएंगे और अभी भी ऐसा ही लगता है। यही उम्मीद तो मैंने और प्रसाद की आई ने लगाई थी। वो काम के लिए जब बाहर चला गया तब ऐसा लगा शायद अब कुछ बदल जाएगा, पर नहीं, वहां का काम छोड़कर वो वापस यहां चला आया। यहां आने के बाद वो खूब दारू पीने लगा, कोई भी काम वो ठीक तरह से नहीं कर पाता था। फिर तू उम्मीद की किरत बनकर आई, पर सच कहता हूं बेटा मेरे प्रसाद के साथ तू खुश नहीं रह पाएगी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तू मेरे बेटी जैसी है। मैं नहीं चाहता जो हमें सहना पड़ा वो सब तुम्हें सहना पड़े। बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा था। आपकी बातों से ये नहीं लगता कि आपको एकनाथ के खिलाफ कोई शिकायत, फिर आपने उनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखा? केसकी को हमेशा यही लगता रहा कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन एक दिन उसकी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। अब वो इस दुख से बाहर निकलना चाहती थी, एक नई जिंदगी को गले लगाना चाहती थी, लेकिन शायद ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। पापा मैंने फैसला कर लिया, मैं प्रसाद के साथ अपनी मंगनी तोड़ रही हूँ। ये फैसला तो तुझे बहुत ही पहले ले लेना चाहिए था। तुम परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। प्रसाद मुझे बार बार फोन करके तंग मत किया करो, हमारा रिश्ता टूट चुका है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ, अब मुझे अकेला छोड़ दो। वो मुझसे कह रही है कि मुझसे शादी नहीं करेगी। बेटा वो बिल्कुल सही कह रही है। आप मेरे बाबा हो गया उसके। तेरे इस मिर्गी का कोई तो इलाज है, पर जिस लत को लगाए तो घूम रहा है ना, उसका कोई इलाज नहीं बेटा। प्रसाद और मैं 2 साल तक साथ में थे और इस दौरान हम दोनों बहुत करीब आ चुके थे, इतने करीब जितना हमें शादी के पहले नहीं आना चाहिए था। प्रसाद के फोन में मेरे कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं। नमस्ते बाबा। मुझे पता था तू बाबा का फोन जरूर उठाएगी। प्रसाद क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे पैसे चाहिए, वो भी पूरे 5 लाख। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, लेकिन तुझे जरूर पागल कर दूंगा अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए। तो तुझे याद है मैंने तेरे फोटो क्लिक किए थे? पैसे नहीं मिले ना, वो फोटो इंटरनेट पे होंगे और उनकी एक एक कॉपी तेरे माँ बाप के पास। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर तूने मुझे फोन नहीं किया शाम तक और पैसे देने का वादा नहीं किया तो ये पिक्चर्स तेरे माँ बाप तक पहुंच जाएंगे। मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बता सकती थी और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे जिन्हें देखकर मैं वो फोटोग्राफ्स डिलीट करवा सकूं। मैं थोड़े थोड़े करके उसको पैसे देती रही और उसके हाथों घुटती रही। जब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा तो फिर हार कर मैंने हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। अगर ये बात लोगों के सामने आ गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या है? 2 लाख है प्रसाद, वो फोटोज डिलीट कर दो। मैंने 5 लाख मांगे थे प्रसाद, प्लीज
हम दोनों रिलेशनशिप में थे जो तुमने तोड़ दिया, वही तो नहीं भूल पा रहा हूं। 5 लाख दे दो और मैं फोटो डिलीट कर दूंगा, बाकी के पैसों का इंतजार करूंगा। वो जानता था कि मैं उसका फोन कभी नहीं उठाऊं और इसीलिए वो मुझे हर बार बाबा के फोन से फोन किया करता था। और फिर एक दिन हम लोगों ने फैसला लिया कि मुझे सिर्फ इसी बात का डर था कि जब आप दोनों को इस बात का पता चलेगा तो आप दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। अब जब आप दोनों मेरे साथ हैं तो मुझे किसी का भी डर नहीं, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पुलिस कंप्लेन करनी, फिर हमने पुलिस में कंप्लेन कराई। मुझे एकनाथ बाबा से तो कभी कोई शिकायत थी ही नहीं, उनका नाम तो इसलिए आ गया क्योंकि प्रसाद मुझे उनके फोन से फोन किया करता था। एकनाथ की बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी है, उसका बड़ा बेटा उसके क्रियाकर्म के लिए आ नहीं सकता। एक प्रसाद ही है जो उसके चिता को अग्नि दे सकता है। देखिए मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन प्रसाद इस हालत में है ही नहीं कि वो क्रियाकर्म के लिए आ सके, वो नशे में धुत पड़ा है। एकनाथ की मौत हो चुकी थी और उनका बेटा लॉकअप में बंद था। क्या सच में उसके पास ऐसी कोई फोटोज थी जिसकी वजह से वो केतकी को धमकी दे रहा था? वो सारे फोटोज कहाँ हैं? हमने तेरा मोबाइल चेक किया है, उसमें एक भी फोटो नहीं है। तूने अपने बाबा को क्यों मारा और वो सारे फोटोज कहाँ हैं बता? दारू दे दो, जो पूछोगे वो सब बताऊंगा। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो दारू पिलाओगे ना? वो सारे फोटोज कहाँ हैं? बता सारे फोटोज कहाँ हैं? बताता हूँ सब बताता हूँ। सारे फोटो मेरे पास ही थे, लेकिन उसके बदले मुझे पैसे चाहिए थे। उसने दिए पैसे 2 लाख, लेकिन देखिए मुझे और पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे, दारू पीने के, घर के सारे पैसे आई की बीमारी में खर्च हो गए थे। इतकी से मैं बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। क्या करता, धमकाया उसे, बहुत धमका। तब कहीं जाके उसने मुझे पैसे दिए, मैं घर पहुंच के दारू पीना शुरू ही किया था कि बाबा आ गए। आस बहुत हुआ, तो पहले ही बहुत पी चुका है। मैं पैसों के पीता हूँ, किसी के बाप के पैसों की नहीं। बाहर छोड़ो। अरे तू अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी खराब कर रहा है, इस दारू के कारण तूने मेरे और केतकी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं बार बार उनसे कहता रहा, मुझे पीने दो, मुझे पीने दो, पर वो नहीं माने साहब। आप बॉटल छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। और बॉटल छोड़ नहीं छोड़ूंगा मैं। बॉटल दे दो। मैंने मारा बाबा को जोर से सर पर, सब बाबा का है। काका के पास है क्या? मर चुके हैं। नहीं साहब, मेरी आई मर चुकी है। तुमने अपने हाथों से अपने बाबा को मार डाला। केतकी के फोटो का वो तो मैंने तभी डिलीट कर दिया था, मुझे तो बस पैसे चाहिए थे ताकि मैं शराब पी सकूं। मैंने सब कुछ बता दिया, थोड़ी थोड़ी दारू पिला दो।
अरे थोड़ी सी दारू साहब, थोड़ी सी दारू पिला दो साहब। सर प्रसाद बच नहीं सका, उसे फेटल अटैक आया था। प्रसाद की मौत के बाद उस पर लगे दोनों चार्जेस हटा दिए गए। केतकी के हैरेसमेंट की और एकनाथ तावड़े की हत्या की फाइल्स बंद कर दी गई। सबने जो कठिन वक्त देखा उसका बहुत ही दुखद अंत हुआ, पर अगर हालात को दूसरे तरीके से संभाला जाता तो क्या सब कुछ ठीक हो जाता, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम पीछे मुड़कर ये जरूर सोचते हैं कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए था, ऐसा क्या किया जाना चाहिए था कि बात यहां तक ना पहुंचती। जब कोई बच्चा गलत रास्ते पर निकल पड़ता है तो माता पिता के लिए आसान नहीं होता उसे वापस सही रास्ते पर लेकर आना। बहुत मुश्किल होता है उस इंसान को यह समझा पाना कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास ना हो और वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे। पर इसके साथ ही उस इंसान के करीबी लोगों को भी यह समझना होगा कि वो किसी दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं बना सकते जो कि उसने खुद पाला है, वरना उन्हें दर्द के अलावा और कुछ नसीब नहीं होगा। किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ते पर लाने की कोशिश के साथ साथ हमें भी इस बात से सतर्क रहना होगा कि कहीं उसका दुख हमें कमजोर ना बना दे, क्योंकि दर्द को झेलना भी अपने आप में एक दुखद अनुभव। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कविता बैगा, रूम नंबर 67, मंदिर मार्ग, कुशगढ़। सुधीर, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं खुद को फांसी लगा लूं और मेरी मौत के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे। साहब, मला माहित नहीं
मैं लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। लड़का लड़की लवर लोग इधर आते हैं तो मैं राउंड लगा रहा था। मैंने तो उस लड़की को पहले कभी देखा भी नहीं। खिड़की से पैर देखा तो लगा कुछ गड़बड़ है। करीब जाके देखा तो इसकी लाश लटक रही थी। सर, बॉडी के पास से ये सुसाइड नोट मिला है। इसी सुधीर की वजह से इस लड़के ने सुसाइड किया है। लवर्स के बीच का मामला लगता है। ऐसा लग रहा था कि ये एक आत्महत्या का मामला है। एक 19 साल की लड़की कविता ने अपने प्रेमी सुधीर की वजह से खुदकुशी कर ली। लेकिन क्या ये वाकई एक साधारण आत्महत्या का केस था? जैसे जैसे इस केस की परतें खुलने लगी और जो बातें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये एक ऐसा केस था जिसमें प्यार, वासना, जुनून, दगाबाजी और धोखा सब कुछ था। स्मृति, बग जरा। हाँ, बगते। कविता बैगा का घर यही है? हाँ यही है। कि मैं माँ हूँ उसकी। क्या हुआ उसे? हमें उसकी लाश मिली है। आपको लाश की पहचान के लिए आना पड़ेगा। स्मृति, सफोकेशन की वजह से मौत हुई है। कविता साहब, हमें पता नहीं है सुधीर कौन है, ना ही कविता ने उसके बारे में कुछ बताया उनको। साहब, कविता बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया था उसने। 12वीं के एग्जाम में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उसके। आप लोग सुधीर के बारे में नहीं जानते, पर कोई तो होगा जो इस सुधीर को जानता हो। कविता की कोई सहेली, कोई खास सहेली? सोनाली, वो उसकी दोस्त थी, वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे दोनों। ये सोनाली रहती कहाँ है? ये तो हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ, कविता ने एक दिन सोनाली को फोन करके उसके घर का एड्रेस पूछा था, और कविता हर एड्रेस अपने डायरी में लिखा करती थी। ये विक्टिम की डायरी और ये सुसाइड लेटर, दोनों की लिखाई जांचने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ओके। सर, ये रहा सोनाली का एड्रेस, कविता की डायरी से मिला। कविता के मोबाइल से की गई सारी डायल्ड और रिसीव कॉल डिलीट की गई, सिर्फ सुधीर को की गई लास्ट कॉल सेव्ड है। उसका नंबर है 444567645 और वो नंबर अभी बंद है सर। कविता के मोबाइल से सारे कॉल्स डिलीट किए गए। सावंत, एक बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी लड़की सुसाइड करने के पहले ऐसा क्यों करेगी? और सिर्फ सुधीर का नाम छोड़कर कॉल लिस्ट में से बाकी सारी कॉल्स कोई क्यों इरेज करेगा? सुसाइड नोट में भी सुधीर का ही नाम है। इतने सारे इशारे सिर्फ सुधीर की तरफ। देखते हैं इस सोनाली से कुछ सुधीर के बारे में पता चलता है या नहीं। माफ कीजिएगा, डिटेल पोस्टमार्टम होने के बाद ही आपको डेड बॉडी मिलेगी। पुलिस को सुधीर तक पहुंचने में देर नहीं लगी। कविता की खास दोस्त सोनाली सुधीर को जानती थी और वो भी बहुत करीब से। क्या हुआ है सर? सोनाली, कविता बेगा तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ना? जी सर, कविता मेरी अच्छी दोस्त थी। ठीक है, क्या मतलब है सर? सोनाली, कविता ने सुसाइड किया है।
कविता के मोबाइल से हमें किसी सुधीर का नंबर मिला है। नंबर है 444567645। सोनाली ये तो क्या तुम किसी सुधीर को जानती हो? सुधीर मेरे बड़े भाई हैं। ये नंबर भी उन्हीं का है। बात क्या है साहब, क्या किया है सुधीर ने? सुधीर कहाँ है? लेकिन उन्होंने किया क्या है सर? कविता ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो सुधीर की वजह से आत्महत्या कर रही है। कहाँ है वो? सर सुधीर भैया बैंक एग्जाम्स के लिए गए हुए हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कविता के मोबाइल से आखिरी कॉल सुधीर को की गई थी और उसने सुसाइड नोट में भी सुधीर का ही नाम लिखा। अरे तेरी वो सहेली है ना कविता, उसने आत्महत्या कर ली। क्या? सर मैंने कुछ किया नहीं है। सर मेरे विश्वास करो। कविता मेरी अच्छी दोस्त थी सर, मेरे भाई को उससे कुछ लेना देना नहीं है सर। कविता के साथ क्यों हुआ है? हां सर मैं सिर्फ बैंक की एग्जाम देने गया था और आप जिस पुरानी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वहां पर मैं कभी गया ही नहीं, और मैं कविता के साथ क्यों जाऊंगा? सर यकीन मानिए कविता और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कविता मेरी बहन की दोस्त थी, उसकी क्लासमेट थी। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारी दोस्त नहीं थी तो मरने से पहले उसने तुम्हें क्यों कॉल किया था? मुझे नहीं पता उसने कॉल क्यों किया था। वैसे अक्सर जब भी फोन किया करता था मैं खुद उसे फोन किया करता था सर। क्यों, वो तो तुम्हारी दोस्त भी नहीं थी, फिर तुम क्यों उसे कॉल करते थे? सर मेरी बहन के पास मोबाइल नहीं है, उसके बारे में जानने के लिए मैं कविता को फोन किया करता था। शायद इसी वजह से कविता के मोबाइल में मेरा नंबर स्टोर है। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर मैं बेकसूर हूं, मुझे इसमें फंसाया जा रहा है कोई। सर लाख समझाने पर भी कविता ने एक नहीं सुनी। इसमें तुम्हारी भी गलती है स्मृति, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। अच्छा हुआ चली गई, जिल्लत तो नहीं झेलनी पड़ी। आई आ? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? एक्स्ट्रा क्लासेस है आई, जाना जरूरी है क्या ऐसी हालत में? मैं क्या बोलती हूँ, तू कॉलेज छोड़ दे, कब तक छिपी रहेगी ये बात? मैं जल्दी आ जाती हूँ। ये तो कविता, मेरी गलती थी, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। क्या कुछ ऐसा था जो कविता के माता पिता प्रभाकर और स्मृति बैगा को मालूम था? कुछ ऐसा जिसे उनके अलावा और कोई नहीं जानता था और वो उसे रोक सकते थे? इस केस में ऐसा क्या कुछ था जो अब तक सामने नहीं आया था? डिटेल पोस्टमार्टम हो चुका है। कुछ और पता चला? हाँ, कविता बैगा प्रेग्नेंट भी थी, उसके पेट में तकरीबन 4 महीने का बच्चा था। क्या? और यही नहीं, इसके पेट में जहर के ट्रेसेस भी मिले हैं। मरते वक्त कविता के पेट में 4 महीने का बच्चा था और जहर के भी ट्रेसेस मिले। उसने खुदकुशी करने की ठान ली थी, इसलिए उसने जहर पीकर बाद में अपने आप को फांसी लगा ली।
ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। कोई भी लड़की ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है ये सब कविता ने किया हो, या ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने ये सब किया हो। अब तक तो हम लोग इसे एक सुसाइड केस मानकर ही चल रहे थे, पर हो सकता है कि ये केस मर्डर का हो। सर, इस सुधीर के फोन की लास्ट लोकेशन भी बैंक एग्जाम सेंटर ही है, जैसा वो हमें बता रहा था। सावन, ये सुधीर कहीं हमें गुमराह करने की तो कोशिश नहीं कर रहा है? कविता ने लास्ट कॉल सुधीर को किया था, सुसाइड नोट में भी सुधीर का ही नाम है। सारे एविडेंस तो सुसाइड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुधीर अपना फोन बैंक एग्जामिनेशन सेंटर में छोड़कर कविता के पास आया हो और उसका मर्डर किया हो एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और विक्टिम की डायरी में लिखे नोट्स की हैंडराइटिंग दोनों काफी हद तक अलग है। मुझे डाउट है कि दोनों एक ही इंसान की हैंडराइटिंग नहीं है। कविता ने आत्महत्या नहीं की थी? मुझे नहीं पता उसने आत्महत्या की थी या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। मुझे फंसाया जा रहा है? हाँ। सर, उसने आत्महत्या नहीं की थी, वो प्रेग्नेंट थी। हाँ। 4 महीने का बच्चा था उसके पेट में। पहले उसे जहर दिया गया, फिर लटकाया गया। सुसाइड तो एक नाटक था जो तुमने रचा था। तो मैंने एक बात बता, उसके घर वालों को पता था वो प्रेग्नेंट है? अबे बोल। सर, मुझे नहीं पता वो प्रेग्नेंट थी या नहीं। सर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मेरी बहन की दोस्त थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सर मेरा यकीन कीजिए, सर मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है। सर मैं तो अपने करियर में फोकस कर रहा हूँ। सर कोई मुझे फंसा रहा है, कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है, और आप मुझे। सर मैंने कुछ नहीं किया है, बेकसूर हूँ मैं। सर विश्वास, कविता ने आत्महत्या कर ली है। क्या? कैसे? साहब, वो जवान लड़का लड़के लोग इधर छिपके बैठते हैं, इसके बीच बीच में राउंड लगाते रहता हूँ। जिस दिन लड़की की लाश मिली थी उस दिन किसी लड़के को साथ में देखा था? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। मैंने भी पहली बार लड़की को तभी देखा जब उसकी लाश मिली थी। लगता है पीछे के रास्ते से आई होगी। कुछ नहीं मिला सर। सावंत, लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और माँ बाप को पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले हमें लगा था कि आपके बेटी का केस एक सुसाइड केस है, पर अब लगता है कि एक मर्डर केस है। और एक बात, आपकी बेटी 4 महीने के प्रेग्नेंट है, क्या आपको वाकई नहीं पता था कि वो पेट से है? हमें वाकई पता नहीं था। नहीं, उसने हमें बताया, हमें तो आपसे पता चल रहा है साहब कि वो पेट से थी। देखिए, अगर आप कुछ छुपाने की कोशिश करें तो छुपाइए मत, कोई फायदा नहीं होगा। सब हम क्यों छुपाए, क्या फायदा होगा हमें छुपा के? मेरी बेटी 4 महीने पेट से थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर वालों को कुछ पता ना हो। मुझे पूरा यकीन है घर वाले कविता के प्रेगनेंसी के बारे में जानते थे। लोग शायद ये बात इसलिए छुपा रहे क्योंकि वो शादीशुदा नहीं। सर, अगर उनकी बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी तो वो जरूर किसी ना किसी गायनेक के पास गई होगी। पर सावंत, ये शहर इतना बड़ा नहीं है क्या, हमें पता लगाने में कुछ मुश्किल पड़ जाए? जी हाँ, कविता बैगा मेरे पास ही आई थी, प्रेग्नेंट है वो। आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, हमें आपसे बात करनी। लगभग 2 महीने पहले आई थी कविता मेरे पास। क्या कविता अकेली आई थी अस्पताल में? जी नहीं। तो फिर कौन आया था उसके साथ? कविता की माँ थी उसके साथ। आपकी बेटी पेट से है, 8 हफ्ते हुए हैं। डोंट वरी, बच्चा बिल्कुल ठीक है। पर वो तो कह रही कि उन्हें इस प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं। झूठ बोल रही है वो, उन्हें पता था। हाँ, लेकिन वो इस प्रेगनेंसी से खुश नहीं थी। क्या आपको पता है बच्चे का बाप कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता,
वो लोग क्लिनिक में उसके बाद एक और बार आए थे, लेकिन तभी भी फादर के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। आपके चेक करने के 2 महीने बाद कविता की मौत हुई है। इसका मतलब यही है, जो भी इस बच्चे का बाप था वो उसे पैदा करना चाहता था, वरना कविता ने अबॉर्शन किया होता। और एक बात तो साफ ही, कविता के माँ बाप उसके प्रेगनेंसी के बारे में जानते थे, और बावजूद इसके कि ये बच्चा उनकी बेटी की शादी किए बिना ही पैदा हो रहा है। देखिए, उनके आपसी मामले के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन हाँ एक बात जरूर बता सकती हूँ, कविता के माता पिता उस समाज को बिलोंग करते हैं जहाँ अबॉर्शन को पाप माना जाता है। ना तो तुम कविता से शादी करना चाहते थे, ना ही उसका अबॉर्शन करवा सकते थे, इसलिए तुमने उसे मार डाला। मैंने कविता को नहीं मारा, और ना ही मेरा कविता के साथ कोई चक्कर था। कविता मेरी बहन की दोस्त थी और इसीलिए मैं उसे जानता था। मैं कब से आपको यही बता रहा हूं, आप क्यों समझ नहीं रहे हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए आप? मैंने नहीं मारा कविता, नहीं मारा कविता। आप दोनों को अच्छी तरह से पता था कि कविता प्रेग्नेंट थी, और शायद ये भी पता था कि वो मरने वाली है। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? और क्या क्या छिपा रहे हैं हमसे? इस बच्चे के बाप का नाम, या आप दोनों ने मिलकर कविता को मारा है? अरे, या उस बच्चे के बाप के साथ मिलकर आपने उसे मरवाया है? साहब, आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। इल्जाम नहीं लगा रहे, पूरे दावे के साथ कह रहे। प्रभाकर जी, आप ही गई थी ना कविता को लेकर डॉक्टर आदित्य के पास, जब कविता के पेट में 2 महीने का बच्चा था? कविता को क्यों गलत कर रही है, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, धोखा देती रही हूँ हमें। उसने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। बच्चे के बाप का नाम क्या है? विश्वास, विश्वास गमता। विश्वास, सच सच बताओ, कविता के आत्महत्या के पीछे कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं? क्या बात कर रही है तू, दिमाग खराब है क्या तेरा? कुछ भी कह रही है तू, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, कब का छोड़ दिया था उसे? झूठ मत बोलो तुम, तुम्हारी नजर हमेशा उस पर ही रहती थी, उस दिन से जब तुम मुझे पहली बार शादी के लिए देखने आए थे। ये विश्वास गमता कौन है? कविता की सहेली आरती का पति। और फिर सामने आया एक ऐसा सच जो शॉकिंग था। एक दोस्त अपनी दोस्त की पीठ में ही छुरा भोंक रही थी, एक आदमी 2 लड़कियों की भावनाओं के साथ खेल रहा था, और दो परिवार मिलकर भी एक आदमी और एक लड़की को अपनी और अपनों की जिंदगी बर्बाद करने से नहीं रोक पाए। तुझे कैसे लगा वो? मुझे तो अच्छा लगा। मुझे भी। वो क्या कहती है, वो मुझसे शादी के लिए हाँ कहेगा?
अब तुम ये मत कहना तुम मुझे पसंद नहीं करते। छुप छुप के मुझे देखती हो ना? हाँ, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त आरती के पति हो। पर फिर भी तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? तुम ये मत कहना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। छुप छुप के मुझे देखती हो ना? हेलो। बोलो कविता, मैं तुम्हारी आवाज़ पहचानता हूँ। आरती है? अच्छा, मुझे तो लग रहा है तुमने मुझसे बात करने के लिए फ़ोन किया। वो मैं आपके फ़ोन का वेट कर रही थी तो मैंने सोचा कि आप हमेशा करो, लेकिन हम फ़ोन पर कब तक बातें करते रहेंगे? अच्छा सुनो, कल मैं आरती को छोड़ने मायके आ रहा हूँ, मिलोगी ना? मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था तुमसे मिलने के लिए। कविता, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकता हूँ, आरती को भी। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मुझे तब से ही तुमसे बहुत प्यार हो गया। तो फिर आरती से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि मैं वहाँ आरती को देखने आया था। तुम मुझे पसंद आई हो ये बात मैं किसी को बता नहीं पाया। मैं तुम्हें जितना देखता था मेरी चाहत तुम्हारे लिए उतनी ही बढ़ती जाती थी। तब मौका नहीं मिल पाया था ये बात बोलने का, पर आज मिला है। कविता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कविता अपनी सहेली आरती को धोखा दे रही थी, लेकिन एक दिन आरती को पता चल ही गया। कविता, कविता का मैसेज आया था तुम्हें कल रात? तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ चक्कर चलाया, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है, फालतू बातें मत किया करो, समझी? झूठ मत बोलो तुम, मैंने तुम्हारे मोबाइल में कविता के सारे मैसेजेस पढ़ लिए, प्यार वाले भी और गंदे वाले भी। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने भी। अब मैं तुम दोनों के चक्कर के बारे में सबको बता कर रहूंगी। कविता, कैसी दोस्त है तू मेरी? तूने मेरे पति के साथ रिश्ता जोड़ा और मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया। क्या कह रहे हो आरती तुम? ए बगा स्मृति जी, आरती जो बोलते है ना वो 16 आने सच बोल रही है। और एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, कविता को आरती का घर बर्बाद नहीं करने देंगे हम। बेहतर होगा कि कविता को आप अच्छे से समझा दीजिए, वरना आगे जो होगा ना उसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। एक मिनट रघु जी, एक मिनट। कविता, क्या ये सच है? कविता, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। अब ये दोनों क्या बोलेंगे? इन्होंने जो गुल खिलाए ये उनके मोबाइल के मैसेजेस से सब पता चल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। रघु जी,
कविता ने जो गलती की है उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हम समझाएंगे कविता को, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सारी गलती कविता की है। इसमें यह विश्वास भी तो जिम्मेदार है। प्रभाकर जी, मुझे पता है हमारा सिक्का भी खोटा है, इसलिए हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं। देखिए, बात को अभी आगे नहीं बढ़ाते हैं। हम सबके लिए बेहतर यही होगा कि कविता तुम और विश्वास तुम दोनों आज के बाद एक दूसरे से बात या मिलने की कोशिश भी नहीं करोगे। ये वादा करो सबके सामने। नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगा। आरती को तो उसके माँ बाप ने समझा दिया, लेकिन कविता और विश्वास कभी नहीं समझे। सब कहने की बातें हैं, सबको धोखा देकर लगातार मिलते रहे वो दोनों। मुझे अच्छी लगती ना बाजी। क्या हुआ? ए बेटा, ए कविता, अरे कविता, ए राजा, क्या हुआ? कब से हो रही उल्टियाँ? एक हफ्ते से। आपकी बेटी पेट से है, 8 हफ्ते हुए हैं। डोंट वरी, बच्चा बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन बाप है इस बच्चे का? विश्वास है क्या? पेट से वो। अभी के अभी इस बच्चे को गिरा दे, अभी के अभी। बाबा, विश्वास ने बोला है कि वो मुझसे शादी करेगा। अरे जो पहले से शादीशुदा है वो तुझसे शादी करेगा? झूठ बोल रहा है वो। इतने भी अक्ल नहीं तुझमें? अभी के अभी वैद्य के पास लेके जाए, इसका बच्चा गिरा दे। अरे ऐसा नहीं कर सकते, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा, पाप है ये। अरे इसकी गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। अरे सजा तो हम अभी भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। अगर उसने शादी भी की ना इससे, तो वो आरती के साथ गलत होगा। हमने वादा किया है रघु जी से, कविता की वजह से आरती की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें? पेट में बच्चा और बाप शादीशुदा। ये आरती रहती कहां है? वो तो काम पे गए साहब। कविता मर्डर केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या काम करता है वो? साहब, साहब आप मेरी बात का यकीन करो साहब। साहब मेरा कविता से कोई लेना देना नहीं है साहब। मैंने चुप साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो सर साहब बताता हूँ साहब। बोल साहब, मैं कविता से शादी नहीं करने वाला था साहब, पर वो बच्चा गिराने को तैयार नहीं थी साहब। विश्वास, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या क्या कह रही है तू? हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा 2 महीने का हो चुका है। देख देख कविता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस बच्चे को अभी गिराना होगा। क्या, क्यों? देख, समझने की कोशिश कर। मैं आरती को अभी नहीं छोड़ सकता, वो भी बच्चे की माँ बनने वाली है। देख, हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तू समझ मेरी बात, समझ रही ना? दो जिंदगियों के साथ खेल रहा था तू, दोनों को धोखा दे रहा था। मुझे नहीं लगा था ये दोनों अपना वादा तोड़ देंगे। मुझे लगा था कि
मेरे विश्वास ने कविता के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी के सपने देखने लगी, पर अब सब कुछ बिखर गया। बस कर। कविता ने सुसाइड नहीं किया था, तुमने उसे मारा था। साहब, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो बच्चा गिरा दे, पर वो एक ही रट लगाए बैठी थी। साहब, विश्वास। हाँ कविता, बोलो। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। अब हमें मिलना ही होगा। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं उसी जगह पे। हाँ, मैं 10 मिनट वहीं आ रहा हूँ। खटमल मारने की दवा देना। विश्वास, विश्वास, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी, ये पाप है। कविता, क्या मुझे अच्छा लग रहा है हमारे बच्चे को गिराना? दिल पर पत्थर रख कर कर रहा हूँ मैं। देखो, तुम इस बच्चे को गिरा दो, जो पाप लगना होगा वो मुझे लगेगा। लेकिन क्यों गिराऊं? विश्वास, ये हमारा बच्चा है, मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं जानता हूँ कविता, अगर आरती पेट से ना होती तो मैं उसे कब का छोड़ दिया होता, लेकिन अभी नहीं कर सकता ये। देखो, एक बार ये बच्चा हो जाए फिर 1 साल में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर आरती का क्या? आरती को मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। कैसे मान लो तुम्हारी बात? कविता, हम जब से मिले हैं मैं तुम्हारे साथ ही रहा हूं। चाहे लोगों ने हमसे कितने भी वादे कराए, मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, और मेरा यकीन करो, मैं कभी तुम्हारा साथ आगे भी नहीं छोड़ूंगा। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, तुम, मैं और हमारा प्यारा सा बच्चा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है विश्वास, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ये लो, ये आयुर्वेदिक दवा है, खास तुम्हारे लिए बनवाया है। इसे पी लो, तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी और बच्चा भी चला जाएगा, इसे कुछ पता नहीं चलेगा। ये लो, पी लो इसे। पी लो। कविता का खून तुमने किया था, फिर इल्जाम सुधीर पे क्यों डाला? ये सुधीर बीच में कहां से आ गया? साहब, मैं और कविता जब भी मिलते थे ना साहब, तो अक्सर कविता को सुधीर के फोन आते थे। कविता, हम लोग कुछ दिनों के लिए ना बाहर चलते हैं। कहां? एक मिनट।
हेलो, हाँ सुधीर, हाँ हाँ मैं कल मिलके बात करती हूँ। ओके बाय। किससे बात कर रही थी? सुधीर से, मेरी दोस्त ना सोनाली, उसका भाई है। सोनाली का भाई? सोनाली का भाई तुम्हें क्यों फोन करता है? क्योंकि सोनाली के पास फोन नहीं है, इसलिए वो सोनाली से बात करने के लिए मुझे फोन करता है। तो तुमने उसे ये क्यों कहा कि कल मिलकर बात करती हूँ? क्योंकि कल मैं सोनाली से मिल रही हूँ ना, तो जब उससे मिलूंगी तब उससे बात करूंगी। मुझे सुधीर से जलन होने लगी थी साहब, मुझे लगा कविता का लफड़ा है उसके साथ, इसलिए सुधीर को फंसाने के लिए मैंने उसका नाम सुसाइड नोट पे लिख दिया। साले, ये अंदाजा भी है एक साथ कितने बेगुनाह लोगों की जिंदगियां बर्बाद किया तूने? कविता, उसके पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारी अपनी बीवी आरती, उसके पेट में पलने वाला बच्चा कविता के माँ बाप तुम्हारे अपने माँ बाप। मुझे विश्वास और कविता के बारे में पता चला, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। पर जब उन्होंने एक दूसरे से ना मिलने का वादा किया तो मैंने खुद से समझौता कर लिया था। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। गलती मेरी थी, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जो आदमी और लड़की मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ कर सकते वो कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है, उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं। सुधीर का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। विश्वास ने अपने जुर्म को छुपाने के षड्यंत्र में जानबूझकर सुधीर को इस केस में फंसाया था। आरती को विश्वास और कविता के संबंधों की जानकारी थी, लेकिन वो कविता की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कितना अच्छा हो अगर हमें अपने किए का अंजाम पहले से ही पता चल जाए ताकि हम सूझबूझ से काम ले सके, पर शायद ये मुमकिन नहीं है। कितना अच्छा होता अगर कविता को समय रहते इस बात का एहसास हो जाता कि जिस शख्स की तरफ वो आकर्षित हो रही है वो उसकी दोस्त का पति बनने जा रहा है और वो उसके साथ कोई रिश्ता ही ना जोड़ती। रिश्ता जोड़ने के बाद भी काश कविता को इस बात का एहसास हो जाता कि वो झगड़े और कला के हालात पैदा कर रही है और वो अपने आप को रोक लेती। काश आरती को पता चल जाता कि उसकी दोस्त उसके पति के साथ मिलकर उसकी पीठ में छुरा भोंक रही है और वो इस शादी से निकल जाती। ज्यादातर जुर्म के बारे में यही समझ में आता है कि अगर समय रहते कुछ उचित कदम उठा लिए जाते तो होने वाली दुखद और संगीन घटनाओं को टाला जा सकता था। अंजाम अच्छा हो सकता था अगर दिमाग सतर्कता और सूझबूझ के साथ इस्तेमाल किया गया होता। सतर्क होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम अंजाम के बारे में सतर्क रहें। सतर्क होने का मतलब है सही समय पर उठाया गया वो कदम जिससे होने वाले अंजाम को टाला जा सके, खासकर ये जानते हुए कि हमारे किए का अंजाम बुरा होने वाला है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।